त्रेता युग के 6 ऐसे शक्तिशाली राजा जिन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था, स्वयं देवता भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया जाता है और हर एक युग में भगवान नारायण ने अपना अवतार लिया है। लेकिन सतयुग हो चाहे त्रेता युग या फिर द्वापर युग, हर एक युग में कई ऐसे वीर शक्तिशाली और पराक्रमी राजा योद्धा हुए जिनके बल के सामने देवताओं के राजा इंद्र का बल भी फीका पड़ गया। खुद देवता भी इनके आगे नतमस्तक होते थे। तो आखिर कौन थे त्रेता युग के 6 पराक्रमी राजा? आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ही आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे त्रेता युग के 6 पराक्रमी राजा। छठे स्थान पर है मिथिला के राजा और माता सीता के पिता राजा जनक। देवी भगवत स्कंद 6 के अनुसार विदेह के राजा कहे जाने वाले निमि के पुत्र राजा जनक हुए, जिनकी पुत्री के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। राजा जनक ने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात हुई। राजा जनक की वीरता का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 66 में किया गया है। इसके अनुसार पूर्व काल में जब महादेव जी ने सती वियोग में दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला था और क्रोध में भरकर अपने धनुष को उठाकर देवताओं के सिरों को काट डालने का प्रण लिया था, तब देवताओं के मनाने पर और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को समर्पण कर दिया। उसी समय से देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास ये धनुष धरोहर स्वरूप रखा था और बाद में वो धनुष राजा जनक तक पहुंचा। और इसी धनुष के आधार पर राजा जनक ने यह निर्णय लिया था कि वर के शौर्य, पराक्रम और वीरता की परीक्षा के बिना वह अपनी कन्या सीता को किसी को नहीं देंगे। वही कहते हैं कि जिस समय मिथिला में सीता स्वयंवर में कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा ना चढ़ा सका और उन्होंने क्रोध में आकर मिथिला को घेर लिया, तब राजा जनक ने उन सभी राजाओं के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया था। बाद में देवताओं की चतुर्ंगी सेना के साथ परास्त करके वहां से भगा दिया था। इन योद्धाओं में रावण सहित समूची पृथ्वी और स्वर्ग के राजा और देवता भी शामिल थे। एक और प्रसंग के अनुसार एक समय राजा जनक का राजा प्रत्यदन के साथ एक भीषण युद्ध संग्राम हुआ था। उस युद्ध में राजा जनक ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहन करने के लिए अपने योग बल से स्वर्ग और नर का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था, जिसका भेद जानने पर उन योद्धाओं ने राजा जनक के साथ मिलकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब बात करते हैं इसी सूची पे 5वें स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक। वो कोई और नहीं बल्कि इक्ष्वाकु वंश के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, जिन्होंने खुद रावण को हराया था। इक्ष्वाकु वंश के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन एक चंद्रवंशी राजा थे। भागवत महापुराण के अनुसार सहस्त्रबाहु का जन्म महाराज हेय की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था, लेकिन कृतवीर के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर अर्जुन कहा जाने लगा। वाल्मीकि पुराण में उल्लेख है कि कार्तवीर अर्जुन ने अपने आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाने लगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नर्मदा के किनारे महेशमती नगर को बसाया था और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। एक बार लंकापति रावण को जब सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने के लिए उसके नगर में आ पहुंचा। यहां पहुंचकर रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वरदान मांगने के हेतु तपस्या आरम्भ की। थोड़ी देर बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आ गए और वो वहां पर जल क्रीड़ा करने लगे। अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह उन्होंने रोक दिया। प्रवाह रोक देने से नदी का जल किनारे से बहने लगा, जिससे रावण की तपस्या में विघ्न पड़ गया। रावण को क्रोध आया और उसने देखा कि आखिर किसने यह दुष्कर्म किया है। उसने पाया वहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन मौजूद था, जो 1000 हाथ लिए नर्मदा नदी का प्रवाह रोक रहा था।
तब उसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को युद्ध में इतनी बुरी तरह से परास्त किया और उसके बाद उन्हें बंदी भी बना लिया। बाद में रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास पहुंचे और रावण को मुक्त भी कराया और अंत में रावण ने उसे अपना मित्र भी बना लिया। एक कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के श्राप से सहस्त्रबाहु अर्जुन की मति मारी गई और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जगदम्नी के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु गाय को वापस लाने की सोची और सहस्त्रबाहु से उन्होंने युद्ध किया, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनके पिता ऋषि जगदम्नी को मरवा दिया। परशुराम ने भयंकर युद्ध करते हुए उनकी सारी भुजाएं काट डाली और फिर उसका मस्तक भी धड़ से उतार दिया। तभी से गुरु परशुराम जी ने क्रोधवश है या वंशीय क्षत्रियो की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई और 21 बार है या वंशी क्षत्रियों का नरसंहार किया। चौथे नंबर पर है किष्किंधा के राजा बाली। स्वर्ग के राजा इंद्र के मानस पुत्र किष्किंधा के राजा बाली माने जाते हैं। बाली का जन्म इंद्रदेव और ऋषिराज जामवंत के मिलन से हुआ था। पंपा सरोवर में गिरने की वजह से जामवंत एक स्त्री बन गए थे तो इनके सुंदर रूप पर मोहित होकर इंद्रदेव ने इन्हें बहला फुसला कर इनके साथ संसर्ग किया और इनके इसी संबंध से बाली का जन्म हुआ। बाली बल से बेहद ही शक्तिशाली था, लेकिन उसकी उदंडता की वजह से इन्हें एक ऋषि से वानर रूप का श्राप मिला था। अपने इसी श्राप को खत्म करने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी के कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में बाली को बहुत बल मिला और साथ ही इंद्रदेव द्वारा एक हार भी प्राप्त हुआ। जो कोई उनके सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को ही मिल जाएगा। इसीलिए बाली बड़े बड़े पर्वतों को भी अपने हाथों से उठाकर फेंक देता था। रामायण में किष्किंधा कांड में इस बात का उल्लेख भी है कि बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर कई योजन तक समुद्र की परिक्रमा की थी और फिर बाद में अपनी काख से मुक्त भी कर दिया था। वहीं बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भी अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हजार हाथियों के बल वाले तंदुभीर राक्षस का वध भी बाली ने अपने हाथों से ही किया था। बाली बेहद ही शक्तिशाली वानर था, लेकिन कहते हैं कि जब हनुमान जी और उनका मुकाबला हुआ तो स्वयं बाली की हार हुई थी। लेकिन बाली बेहद ही शक्तिशाली था और ऐसे में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव की मदद की। वो जानते थे कि अगर वो बाली के सामने आएंगे तो उनका आधा बल वैसे ही क्षीण हो जाएगा, इसीलिए भगवान श्री राम को भी बाली का वध छल से करना पड़ा था। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बाली कितने बलशाली थे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली एक राजा की। वो कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण था। कहते हैं कि त्रेता युग के राक्षसों में रावण सबसे शक्तिशाली राजा था। वह ग्रहों को अपने वश में कर लेता था, जिसके कारण ग्रहों के अशुभ प्रभाव से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देवता और राक्षस भी उससे डरते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी जब मेघनाद को जन्म देने वाली थी तब रावण चाहता था कि मेघनाद का जन्म ऐसे नक्षत्र में हो कि वह दीर्घायु रहे, लेकिन वो जानता था कि 9 नक्षत्रों में केवल शनिदेव ही दीर्घायु प्रदान करने वाले हैं और वह रावण की बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए रावण ने शनिदेव से युद्ध करके उन्हें अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया, लेकिन शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से मेघनाद को अल्पायु तो कर दिया, लेकिन खुद सिंहासन के नीचे ही लटके रह गए, जिससे उनकी चाल धीमी हो गई। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तब रावण ने गुस्से में अपना सिंहासन उल्टा दिया और तब जाकर शनिदेव की वक्र दृष्टि लंका पर पड़ी और हनुमान जी ने उन्हें वहां से मुक्त कराया था। रामायण में रावण की शक्ति और पराक्रम के विषय में विस्तार से बताया गया है। हजारों बार रावण ने स्वर्ग पर अधिकार जमा कर इंद्र वरुण देव जैसे देवताओं को भगाया था। कहते हैं देवताओं के चक्रों के प्रहार हो या ऐरावत का दांत उसकी छाती में घुसा हो, सब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कंब रामायण के अनुसार ना तो वज्र, ना ही सुदर्शन चक्र, ना ही ब्रह्मास्त्र और रौद्रास्त्र, स्वर्ग के अद्वितीय गंधर्व रुद्रगण मिलकर भी रावण को पराजित नहीं कर पाते थे। रावण ने नागराज वासुकी और तक्षक को पराजित किया था और श्री राम के पूर्वज अनिर्णय को भी मार डाला था।
रावण रामायण का सबसे शक्तिशाली खलनायक था। उसने अपनी सेना से ही 33 कोटि देवताओं की पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण ने अपने भाई कुबेर को हराकर पुष्पक विमान को भी हथिया लिया था। और तो रामायण काल में भगवान राम और भगवान हनुमान को छोड़कर भगवान लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि सहित सभी भगवान श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी रावण ने चुटकियों में परास्त किया था। बाद में 7 दिनों तक दिन रात घोर घनघोर युद्ध चलता रहा, जिसके कारण अंत में भगवान श्री राम ने विभीषण की सहायता से रावण को मार गिराया। वहीं इसी सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद है अयोध्या के शक्तिशाली राजा राजा दशरथ। रामायण काल में नारायण ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तुलसीदास रामायण में राजा दशरथ की भूमिका का अधिक वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन रामचरितमानस के बालखंड के दोहे 37 के अनुसार राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या ही पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा माने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों तक नारायण की तपस्या करके उन्हें पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। कौशल्या और सुमित्रा और कैकई सहित उनकी 3 पौत्रानियों और श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत उनके 4 पुत्र थे। इसी के साथ राजा दशरथ एक पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और उनकी वीरता की गूंज देवलोक तक सुनाई देती थी। कंब रामायण में बताया गया है कि देवासुर संग्राम के दौरान जब शंभर नाम के राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण किया, तब खुद स्वर्ग के राजा इंद्र ने राजा दशरथ की सहायता मांगी थी। इसके अलावा पद्म पुराण के अध्याय 157 में वर्णित है कि एक बार ज्योतिषों सहित नारद मुनि ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव की वक्र दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ने वाली है। इससे न केवल मानव जाति को खतरा होगा, बल्कि देवताओं और असुरों के लिए भी यह परिस्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए और अयोध्या की प्रजा सहित संपूर्ण मानव जाति और देवलोक की रक्षा करने के लिए रोहिणी नक्षत्र की सुरक्षा जरूरी है। ये जानकर राजा दशरथ बिना किसी विलंब के अपने संपूर्ण बल के साथ शनिदेव के सामने उनका सामना करने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन राजा दशरथ को सामने देखकर शनिदेव को हैरानी हुई कि आखिर कोई मानव उनका सामना कैसे कर सकता है। जब देवता भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, तब राजा दशरथ के बल को जानकर शनिदेव ने खुद उन्हें वीर पुरुष की उपाधि देते हुए रोहिणी नक्षत्र की रक्षा का वचन दिया था। इसी के साथ राजा दशरथ की वीरता का एक और किस्सा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय में मिलता है। राजा दशरथ हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या में माहिर थे। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य और पृथ्वीराज चौहान के अतिरिक्त यदि कोई शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण था तो वो राजा दशरथ ही थे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक सर्ग में राजा दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या को बताते हैं कि एक बार सरयू नदी के किनारे उन्होंने झाड़ियों में आहट सुनकर एक युवक को जानवर समझकर मार दिया, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी की तलाश कर रहा था। और वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। बाद में जब उन्होंने उनके माता पिता को उनके ही पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया, तब उन्होंने ही राजा दशरथ को श्राप दिया कि वो भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। और ऐसा ही हुआ। जब रानी कैकई ने स्वयं भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और भगवान श्री राम ने भी वनवास के लिए तैयारी और हामी भर दी, तब राजा दशरथ भी अपने पुत्र श्री राम के वियोग में ही मारे गए थे। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली राजा, जो 7 चिरंजीवियों में से एक है और जो आज भी इस धरती के पाताल में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं पाताल के राजा बलि की। पाताल के राजा बलि असुर कुल में जन्मे दैत्यराज हिरण्यकश्यप के परपौत्र और प्रह्लाद के पौत्र थे। विष्णु पुराण के अनुसार राजा बलि को नारायण से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। राजा बलि पुरातन काल के सर्वाधिक बलवान, मायावी,
दानी, प्रतापी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। इन्हीं के कारण नारायण को वामन अवतार भी लेना पड़ा था। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र को ऋषि दुर्वासा से पराजय का श्राप मिला और इसी श्राप के कारण देवराज इंद्र दैत्यों से युद्ध हार गए और इन्हीं दैत्यों के राजा बलि भी थे। अब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था और उन्हें अपनी शक्ति पर भी अभिमान होने लगा था। तब देवता इसका समाधान पाने के लिए नारायण की शरण में गए। राजा बलि उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और राजा बलि यज्ञ के दौरान दान देने से मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए नारायण ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। जब राजा बलि दान देने को सज्ज हुए तब वामन रूप नारायण ने अपना विस्तारित रूप दिखाया और 1 पग में पूरी धरती, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना मस्तक नारायण के पैरों के नीचे रख दिया और जैसे ही नारायण अपना 3रा पग बलि के सर पर रखने वाले थे, वो सीधा पाताल लोक पर चले गए और नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि की वीरता के बारे में बहुत ही ज्यादा वर्णन मिलता है। कहते हैं एक बार रावण जब राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक गया था तो राजा बलि के महल के आंगन में खेलते हुए बच्चों ने ही रावण को बंदी बना लिया था। सोचिए, जिसके राज्य के बच्चे ही इतने शक्तिशाली हो वो राजा कितना शक्तिशाली होगा। और इसीलिए पहले नंबर पर स्वयं राजा बलि को ही रखा गया है। जो स्वयं एक शक्तिशाली राजा थे जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और एक चिरंजीवियों में से एक हैं, जो कलयुग के अंत होते होते नारायण के 10वें अवतार यानी कल की अवतार की सहायता के लिए इस धरती पर प्रकट होंगे। तो यही थे त्रेता युग के कुछ ऐसे शक्तिशाली राजा जिनकी शक्तियों के सामने स्वर्ग के देवता भी फीके पड़ जाते थे। इनमें से कौन सा राजा सबसे बेहतर आपको लगा है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।